हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पावरफुल सपोर्ट चैनल। पावरफुल सपोर्ट चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है हाउ टू चेंज पेटीएम पासवर्ड, हाउ टू फॉरगेट पेटीएम पासवर्ड। आप पेटीएम पासवर्ड कैसे फॉरगेट कर सकता, चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बोलना चाहता हूँ, आपको पेटीएम यूज़ करना है तो आपको पेटीएम पासवर्ड फॉरगेट करना ज़रूरी है। इसलिए आपको पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने थ्री डॉट वाला ऑप्शन में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद लॉगिन ऑप्शन में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर मांग रहा, आपको मोबाइल नंबर यहाँ देने होगा, पेटीएम पासवर्ड देना होगा। लेकिन आपको पासवर्ड पता नहीं है तो उसके बाद आपको गलत पासवर्ड आप टाइप करोगे, उसके लिए पेटीएम पासवर्ड आपको नहीं होगा। उसके लिए आपको एक ब्राउज़र में जाना होगा, यहाँ पर लिखना होगा पेटीएम कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर। सर्च करने के बाद उसके ऊपर आपको एक नंबर मिलेगा, पहले वाला नंबर को आप कॉपी कर लेना है। पहले जो बैंक अकाउंट वॉलेट पेमेंट इन नंबर पर आपको एक बार कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक आने के बाद आपको एक फ़ोन में जाइए, यहाँ पर नंबर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको जो नंबर पर पेटीएम पासवर्ड चेंज करें उसके बाद कॉल कीजिए। हम एक सिलेक्ट कर ले रहा, करने के बाद कॉल कर रहा है। कॉल करने के बाद यहाँ देखिए जो बोल रहा, सुनिए अच्छे से, ध्यान से टाइप कीजिए। यहाँ पर जो बोलेगा आपको वही टाइप करना है। हम वही सिलेक्ट किया, टूर सिलेक्ट किया हिंदी। यहाँ पर पेटीएम पासवर्ड फॉरगेट बोलेगा तो आपको वही क्लिक करना, वही टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको एक एसएमएस आएगा, देखिए हम टाइप कर रहा, जो बोलेगा अच्छे से सुनिए, सुन के टाइप कर दीजिए मेरा वीडियो की तरफ। देखिए फ्रेंड, अच्छे से सुन के टाइप कीजिए, नहीं तो नहीं होगा। आपको जब बोलेगा पेटीएम बोलने के बाद आपको पेटीएम पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए बोलेगा। देखिए हाँ, फॉरगेट करने बोला, एक प्रेस कर दिया। करने के बाद आपको एक एसएमएस भेजेगा वो पेटीएम की तरफ से, वो एसएमएस भेज दिया। कॉल करने के बाद आपको एसएमएस में जाना है। ठीक है, हम कल कर दिया। करने के बाद बैक आइए, बैक आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एसएमएस में जाइए। एसएमएस के जाने के बाद जो एसएमएस आपको दिया पेटीएम की तरफ से पहले है, वो एसएमएस में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर एक तो लिंक भेजा दिया, वो लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। वो जो पेटीएम की तरफ का पेटीएम पासवर्ड चेंज करने के लिए वो लिंक क्लिक करना, इनेबल टू नेटवर्क एसएस रिकॉर्डिंग, या इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने कोई भी एक ब्राउजर चूज़ कर लो। चूज़ करने के बाद आपको न्यू पेटीएम पासवर्ड सेट करने के लिए दोनों ऑप्शन देगा। एक पेटीएम पासवर्ड जो न्यू है, न्यू पासवर्ड दीजिए, उसके बाद वही सेम पासवर्ड दूसरा नंबर पर कन्फर्म पासवर्ड देने होगा। देखिए यहाँ पर देखिए इंटर न्यू पेटीएम पासवर्ड, यहाँ पर आपको पेटीएम पासवर्ड न्यू पेटीएम पासवर्ड देना है। देने के बाद आपको कॉन्फर्म पासवर्ड दोबारा टाइप करना है, सेम पासवर्ड टाइप करना है। गलत देगा तो आपको नहीं होगा, अच्छे से ध्यान से टाइप कर दीजिए। हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा रहा, देख लीजिए अच्छे से। जो पासवर्ड दे दिया हम, वो दोबारा कॉन्फर्म पासवर्ड में मेरा देने होगा। देखिए हम वही डाल रहा, कोई गलत हो जाएगा तो मैं दोबारा टाइप करना होगा, नहीं तो पुसेट नहीं लेगा। देखिए हम पुसेट कर दिया, देखिए हम गलत डाला, कॉन्फर्म पासवर्ड में एक तो गलत हो गया टाइप करता। यहाँ पर फिर काट के आपको न्यू पासवर्ड वो जो पहले वाला दिया अच्छे से देख के दूसरा वाला आपको देना होगा। हम काट दिया, पूरा काट दिया पहले से, फिर दोबारा
पासवर्ड डालना, अच्छा से ध्यान से डालना होगा। यही पासवर्ड आपको लिख के रखना होगा। वो पासवर्ड पेटीएम जब लॉगिन करेगा तो ये पासवर्ड आपको देना होगा, वहाँ पर तब लॉगिन होगा पेटीएम। हम आपको पासवर्ड चेंज करके लॉगिन कैसे करना है दिखा दूँगा। देने के बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन कंफर्म करने के बाद प्रोसीड वाला ऑप्शन में क्लिक करो, सही होगा तो आपको सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन योर पासवर्ड इज़ अपडेट, हम जो पासवर्ड अभी न्यू दे दिया वो पासवर्ड अपडेट हो गया। आप पेटीएम अकाउंट लॉगिन करने जाएगा तो ये पासवर्ड देगा, तो आपको सैमसंग पेटीएम पासवर्ड पेटीएम ओपन हो जाएगा। देखिए हम आपको लॉगिन करके दिखा दे रहा, ठीक है। नंबर देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो पासवर्ड वहाँ पर न्यू आप क्रिएट किया वो पासवर्ड यहाँ पर आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको लॉगिन सिक्योरली यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। देखिए हम पासवर्ड दे दिया, देने के बाद लॉगिन सिक्योरली यहाँ पर क्लिक कर दिया। कुछ सेकंड वेट करने के लिए बोलेगा, 5 सेकंड तक आप वेट कर लीजिए। करने के बाद देखिए आपको पेटीएम तुरंत खुल जाएगा। फिर अच्छे से देखिए, कोई मिस्टेक होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता, हम आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पेटीएम मेरा लॉगिन हो गया। आप यहाँ से कोई भी रिचार्ज कर सकता, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिक बिल रिचार्ज, पेटीएम पोस्टपेड रिचार्ज। आप यहाँ पर आपको जो बारकोड क्रिएट हो गया, देखिए आपको नाम शो हो गया, यहाँ पर आपको अकाउंट खुल गया। कोई भी प्रॉब्लम आया तो मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता, कोई भी हेल्प लगेगा तो मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।